बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो से आप बाखबर रह सकें। आज मैं आपको बनाना सिखाऊँगी खालिस देसी घी किस तरह और किस तरीके से बनेगा, ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो को एक बार स्किप मत करें। इस खालिस देसी घी में कोई मिलावट वगैरह मैं नहीं करूँगी। ये मैंने 3 किलो खालिस मक्खन लिया है। मक्खन बनाने का तरीका मैंने पहले उसकी वीडियो अपलोड कर दी थी इसी चैनल पर, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप देख लीजिए कि मक्खन किस तरह बनता है। आज मैं आपको खालिस देसी घी बनाना सिखाऊँगी। देसी घी बनाने के लिए सूजी मैंने आधा पाव ली है। अब मैंने पतीले में मक्खन शामिल किया है, खालिस मक्खन। जब ये मेल्ट होगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें, मक्खन मेल्ट हो चुका है। अब मैं सूजी शामिल करूंगी देसी घी बनाने के लिए। ये मैंने सूजी शामिल कर दी है, इसे मिक्स करना है अच्छी तरह। अब ऐसा ऐसा हमारा देसी घी बन रहा है। देखिए, खालिस देसी घी है, इसमें कोई मैंने मिलावट वगैरह नहीं की। ये देखिए, हमारा देसी घी तैयार हो चुका है। देखिए कितना खूबसूरत बना है, मिलावट से पाक है, कोई मैंने इसे मिलावट नहीं की। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है देसी घी का। माशाल्लाह से हमारा देसी घी तैयार हो गया है, इसमें मैंने कोई मिलावट नहीं की, मिलावट से पाक देसी घी है। अब देसी घी पकने के दौरान हमने जो सूजी शामिल की थी उस सूजी का हमने हलवा बना लिया है। ये हमारा देसी घी का हलवा तैयार हो गया है। देखें, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं हुई, हलवा भी बन चुका है देसी घी का और घी भी निकल गया है खालिस। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और आखिर में जो वीडियोज़ हैं उनको ज़रूर देखें, आपको बहुत पसंद आएंगी। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।